नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र, द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, मुलाकात कीजिए एक कुशल वक्ता, नेतृत्वकर्ता एवं जुझारू नेत्री, रीवा जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती माया सिंह जी से, जिन्हें जिले की प्रथम महिला जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का गौरव भी प्राप्त है। उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए सच तो सच है कि इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आप एक कुशल गृहिणी के साथ साथ राजनीति में भी पूरी शिद्दत के साथ काम करती रहीं और राजनीति में आपने पूरी सहभागिता निभाते हुए दिए गए दायित्वों को पूरा भी किया। प्रायः यह देखा जाता है कि महिलाओं को लोग राजनीति से दूर रखते हैं और आपने अपने ससुर की राजनीति को धरोहर के रूप में आगे बढ़ाया जी। तो वह क्या परिस्थितियाँ थीं? परिस्थितियाँ थी, असल में मैं राजनीतिक घराने में ही पैदा हुई जी। जब से मैं पैदा हुई तब से राजनीति को बड़े करीबी नज़रियों से देखा है, क्योंकि मेरे जहाँ मैं पैदा हुई मनगवा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है देवास, वो मेरा जन्मभूमि है। मेरे पिताजी श्री जगदीश सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता में गिने जाते थे, पूर्व मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपके भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। तो कहा जाए कि मैं राजनीतिक घराने में ही पैदा हुई और जब मैं बालिग हुई, मेरी शादी भी ऐसे घराने में हुई जो जनसंघ के ज़माने से, मतलब एक दोनों विरोधाभास अगर देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि कांग्रेस की धरोहर जो है भाजपा में आई। तो वो तो बहुत बढ़िया आपने पूछा कि दोनों अपोजिट कांग्रेस और बीजेपी, तो समय तो राजनीति में देखी, मेरे घर में भी मायके में भी नेताओं का आना जाना था, मिलना जुलना भी बड़ी करीबी से होता था, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं लेती थी वैसे राजनीति में, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान था। उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं यहाँ ससुराल में आई और मैं पहले से ही मैं ससुर जी को अपने अच्छे से जानती पहचानती थी, एक दूसरे घर से अच्छा संबंध था जी। तो यहाँ के बारे में भी जानती थी कि वो बहुत एक रीवा ज़िले के बड़े किसानों में और कृषि के क्षेत्र और साथ साथ सामाजिक सेवा और राजनीति में भी जनसंघ के ज़माने से वो काम कर रहे हैं समाज के लिए, पार्टी के लिए। और उस समय वो ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में आए थे जब रीवा ज़िले में जनसंघ का कोई व्यक्ति नहीं थे, सिर्फ गिनती में 3 लोग चुनिंदा हुआ करते थे, मेरे ससुर जी स्वर्गीय श्री सुनाथ पटेल जी, मणिराज सिंह दादा और केशव पांडे जी। तो मैं केशव पांडे जी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, उनको भी, तो इस घर के बारे में भी अच्छे से हम लोगों को जानकारी थी, क्योंकि पड़ोस में इसी बांसघाट में ही मेरा मायका भी था और यहीं फिर ससुराल भी हुआ, तो दोनों परिवारों का अच्छा संबंध था। तो इस वजह से मेरी जब यहाँ शादी हुई, यहाँ के देखे काफ़ी बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आना जाना भी यहाँ हुआ करता था, पर उस समय राजनीति से मेरे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी कि मैं, और ना ही मैं सोची थी कि मैं राजनीति करूँगी। समाज सेवा कॉलेज के जमानों में भी मैं इंटरेस्ट लेती थी जब चुनाव होते थे, और जो हमारे प्रत्याशी हुआ करते थे कॉलेजों में स्कूलों में, मैं उनके साथ चुनाव प्रचार में भी रहती थी, लेकिन ये नहीं सोची थी कि मैं भी कभी इस क्षेत्र में आऊँगी। तो धीरे धीरे जब बाबूजी का चुनाव हुआ करता था, वो विधानसभा चुनाव जनसंघ के ज़माने में 1957 में प्रथम बार विधायक हुए थे गुड़ विधानसभा क्षेत्र से, उस समय मेरी शादी नहीं थी, हम लोग बहुत छोटे थे। फिर उसके बाद लगातार उनको कई बार विधानसभा का टिकट भी मिला, फिर लोकसभा का भी टिकट मिला, लेकिन कुछ ही वोटों से, क्योंकि जनसंघ को और 1980 में जब गठन हुआ जनता पार्टी फिर भारतीय जनता, उतना जनाधार नहीं था, क्योंकि रीवा संभाग में गिने चुने एक दो विधायक हुआ करते थे, लेकिन उस समय कोई था नहीं, तो टिकट देना पार्टी की एक मजबूरी थी, इस वजह से बाहर निकलना भी थोड़ा बहुत होता था। उसके बाद लोकसभा के बाद एक बार बाबूजी को जब नगर निगम का चुनाव हुआ था और पिछड़ा वर्ग महापौर था, उसमें पार्षदों के माध्यम से चुनाव हुआ करता था, तो बाबूजी को भी, माननीय हमारे ससुर जी को भी, ठाकरे जी का और पटवा जी का बहुत अच्छा स्नेह था उनके प्रति, तो पटवा जी ने बाबूजी को चुनाव लड़ने के लिए कहा पार्षदी का,
हम लोगों ने सबको ही पूरा घर परिवार पूरा मना कर रहा था कि नहीं, लोकसभा के बाद और पार्षदी का चुनाव लड़ना जी कितना वो होता है, मतलब एक कहाँ ऊंचे पद संभाग जिले का और फिर एक वार्ड का। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि जो राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व ने चाहा है वो कार्यकर्ताओं को नेताओं को करना मानना पड़े। पड़ता है। इस वजह से बाबूजी ने चुनाव फॉर्म भरा, चुनाव लड़ा, उस समय में पहली बार घर से निकली बाबूजी के प्रचार के लिए। तो जब प्रचार के दौरान निकलते थे, लोगों से मिलते थे, वार्डों की समस्याएं, लोगों की समस्याएं देख करके ऐसा लगा कि हम लोगों को भी कुछ समाज के लिए करना चाहिए। उसके बाद चुनाव हुआ, पार्षदी का चुनाव जीत गए, लेकिन बहुत कम मेंबर आए थे तो अपने महापौर नहीं बन पाए भाजपा जी के। लेकिन जी 2.5 साल बाद फिर जनता द्वारा हुआ, तो उसमें अपने राजेंद्र ताम्रकार जी महापौर बने थे। वो मेरा राजनीतिक शुरुआत थी। फिर उसके बाद जब महिला सामान्य हुआ, महापौर नगर निगम का चुनाव, श्रीमती जी आशा सिंह जी जब महापौर बनी थी, जी उस समय से मैं निरंतर मतलब सक्रियता में आई। सक्रियता हुई, और उसी समय मेरी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता भी हुई थी। हालांकि मैं सदस्य नहीं थी, उसके बावजूद भी काम करती थी, और पार्टी में कोई दायित्व भी नहीं ली थी मैं। उसके बावजूद भी जहां मुझे निर्देश होता था मैं बराबर वो काम करती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे और जिम्मेदारी में नहीं लेना चाहती थी। तो इस तरह से, और माने इसने बाबूजी का आशीर्वाद और हमारे ठाकरे जी का, माननीय ठाकरे जी जो संगठन के कर्ता धर्ता पूर्वधाई हैं, संगठन को गढ़ करके आज इतनी दूरी पे ले गए हैं, उनका भी ये था बाबूजी के माध्यम से कि आप अब अपने रहते हैं अपने सामने बहुओं को ले आइए मतलब राजनीति अपना में, उत्तराधिकारी नियुक्त उत्तराधिकारी करिए। नियुक्त करिए। तो उनके मार्गदर्शन में मैं पार्टी ज्वाइन की। बाबूजी का भी ऐसा ऐसी मनसा थी, डायरेक्ट तो नहीं कह पाए लेकिन उनकी मनसा थी, बैठते थे, चर्चा करते थे, तो ये बातें आया करती थी। इस वजह से मैं राजनीति में आई। मैडम जैसे आप एक गृहिणी थी, जी पूरी तरह से गृहिणी थी, जी और फिर जब राजनीति में आई तो इसके बीच जो सामंजस्य था जी वह कैसा रहा? सामंजस्य, क्योंकि मेरा ज्वाइंट फैमिली थी मेरी, और हम लोग अच्छे बड़े परिवार में हैं। मेरे हस्बैंड 6 भाई 1 बहन हैं, और ज्वाइंट फैमिली में काम करने में भी दिक्कत होती है और काम करने में भी अच्छा लगता है। जी तो कठिनाइयों के साथ साथ मुझे परिवार का पूरा सहयोग मिला। मेरे घर में जो बहुएँ थी और उनका सहयोग, मेरे पति का सहयोग, पति का मुख्य होता है, घर के बुजुर्ग का मेन होता है, तो इनका अच्छा सहयोग मिला। उसके वजह से घर में सामंजस्य बनाते हुए, घर और बच्चों को देखते हुए फिर मैं पार्टी का दायित्व तो और समाज सेवा में काम में जुड़ गई। तो इस दौरान कोई कठिनाई भी आपको झेलनी? कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, लेकिन कठिनाइयों में चुनौतियों को मानते हुए काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुनी गई, तब आपने कैसा महसूस किया था? चुनौतियाँ थी जिला पंचायत, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य मैं 2 बार पहले रह चुकी थी। मैं 2000 में जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ी, तो उसमें सफलता मुझे मिली, जनता ने मुझे अच्छा सहयोग दिया। 2005 में भी अच्छा सहयोग मिला, और 2009 में जब मैं सदस्य बनी, उस समय जिला पंचायत अध्यक्षी का वार्ड महिला ओबीसी था, पिछड़ा वर्ग जी था, तो मुझे पार्टी ने लड़वाया और फिर अध्यक्षी के दावेदार भी बनाया, प्रत्याशी भी बनाया, और उसमें अच्छे वोटरों से मैं चुनाव जीती। तो जब जिला पंचायत की शपथ ग्रहण हुआ, शपथ के ग्रहण के बाद मैं पहली बार कार्यालय गई जब, तो काफ़ी ऐसी चुनौतियां सामने थीं क्षेत्र में, क्षेत्र के विकास के लिए, और बहुत योजनाएं भी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने बहुत सी योजनाएं उस समय, और जी ख़ासकर महिलाओं के लिए, जी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए चलाई थी। मुझे लगा कि ये कार्य को मैं कैसे पूरा कर दूं, नीचे समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को मैं ये योजनाओं का लाभ कैसे दिलवा पाऊंगी। लेकिन मेरी टीम जो थी, टीम और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगा, और सभी का सहयोग बराबर मिलता था। एक परिवार के सदस्य की तरह हम लोग काम करते थे, और अपनी टीम के साथ जो हमारी प्रशासनिक समितियां थीं उनसे राय मशविरा और सबसे चर्चा करके मैं वो काम करती थी। तो मुझे ऐसा कोई कठिन नहीं लगा। जहां भी दिक्कतें आती थी तो अपने राजनीतिक जो हमारे जनप्रतिनिधि पार्टी जी के थे उनसे भी
और अपने वरिष्ठ नेताओं से भी संपर्क करके मैं उस काम को सुगमता से, और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे मिल करके वो काम अच्छे से उनके सहयोग से सबसे पूरा करती थी। तो जब आपने जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व किया उस दौरान कोई ऐसी घटना जो आज भी आपको याद हो? घटनाएं तो ऐसे छोटी मोटी घटती रहती हैं, लेकिन ऐसे बड़ी घटना ऐसी कोई नहीं हुई। एक आध दो बार बैठकों में थोड़ा हुआ था, विपक्षी दलों के लोग जो सदस्य हुआ करते थे ऐसा होता है हंगामे, जैसे आजकल विधानसभा लोकसभा में देखिए उस तरह से, वैसे जिला पंचायत में भी होता था, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता था। तो ऐसी कोई कठिनाई हुई नहीं मुझे, न फील्ड में और न सदन में। कोई ऐसी बात जो आज हमारे साथ शेयर करना चाहती हूँ? ऐसा जब क्षेत्र में मैं जाती थी तो हमारे जो क्षेत्र की जनता हुआ करती थी तो बहुत से कामों के लिए कहती, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ये काम नहीं हुआ, ये काम लोगों की योजनाएं मिल रही है। तो जब मैं उनको डिटेल से समझाती थी बैठ के, मैं ये नहीं था कि मैं जाती थी तो मिल के तुरंत भाग चल देती थी, मैं बैठ के और कायदे से उनको जब नीचे से ऊपर तक की पूरी प्रक्रिया समझाती थी तो बहुत खुश होती थी पब्लिक, बहुत खुश होती थी, खासकर गरीब पब्लिक। वो अंत में मेरी बातों को समझाने के बाद वो संतुष्ट हो जाते थे कि बेटा इतने अच्छे से आपने बताया, ऐसे बताने वाला मुझे कोई नहीं मिलता। तो मैं जनता के लिए भी समय देती थी, ऐसा नहीं था कि मैं क्षेत्र में जब भ्रमण में हूँ तो मैं जल्दी से मिल मिल करके चल जाऊँ, मैं उनके साथ पूरा समय बिताती थी। जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते थे मैं उनको समय देती थी। अच्छा, जब आपने राजनीति में शुरुआत की तो उस समय आपने कुछ प्राथमिकताएं भी बनाई होंगी? राजनीति देख लीजिए, सेवा, समाज सेवा के लिए है। और राजनीति मेरा कोई शौक नहीं था कि शौक थी है? और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कि समाज सेवा करके मैं कैसे, जब गरीब बस्ती में मैं जाती थी उनके बच्चों को, महिलाओं को देखती थी तो मुझे तकलीफ़ होती थी, क्योंकि यही पीड़ा मेरे ससुर जी को होती थी, गरीबों को। अभी भी गांव में हमारे यहाँ गरीबों को बहुत मदद दी, बाबूजी भी दिया करते थे, हम लोग भी करते हैं, तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी। तो ऐसा लगता था कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, और करती भी थी, जो मदद होती थी करती भी थी, उनको विधिवत में घर बुलाती थी और उनसे विस्तृत चर्चा करके उनको योजनाओं का लाभ दिलाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ समाज सेवा और थोड़ा जो मेरे बाबूजी का मान सम्मान था जनता के बीच में, पार्टी के बीच में और समाज के बीच में, वो मान सम्मान को कायम करना चाहती थी, और उन्हीं के पदचिन्हों पर भी आज मैं चल रही हूँ। जब आपने राजनीति ज्वाइन की तो आपने किसी को अपना आदर्श बनाया होगा और किसी न किसी को अपना गुरु भी बनाया। आदर्श तो राजनीति में मेरे माननीय ठाकरे जी थे, पटवा जी थे, कैलाश जोशी जी भी थे, वो बहुत सम्मान करते थे। बाबूजी के देहांत बाद वो मेरे घर भी आए थे तो मैं उनको, और सबसे गुरु मेरे ससुरी जी थे मेरे, और जो पार्टी के जो अपने वरिष्ठ नेता थे हुआ करते थे उन सबको मैं आदर्श मानती हूँ। कहते हैं गुरु की कोई एक ऐसी बात होती है जो हमेशा याद रहती है। बाबूजी हमेशा कहा करते थे जब बैठते थे, पहले तो हम लोग ज़्यादा खुल के बात नहीं करते थे, जब करने लगे थे कोई भी बात होती थी तो बाबूजी कहते थे कि काम को प्राथमिकता देना, समाज सेवा में अगर हो तो पहले समाज के लिए फिर घर परिवार के लिए। तो वो बातें, बाबूजी की बातें हमेशा याद आती हैं, परिवार को भी समय दो और समाज के लिए जब हो राजनीति में तो उसको प्राथमिकता देना, और सबको प्राथमिकता देते हुए काम करो। मान सम्मान तभी मिलता है जब हम सामने वाले व्यक्ति को मान सम्मान देंगे, तभी हमें सम्मान सम्मान मिलेगा, और ईमानदारी के साथ काम करो, कभी ऐसा आरोप ना लगे। पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल में 5 साल मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा, ये इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बाबूजी की बातों को हमेशा लेके चलती थी, और उसके बाद कहीं भी पार्टी कार्यक्रमों में जाती थी तो मैं उनके साथ में जाती थी, पार्टी संगठन के जो कार्यक्रम होते थे मैं साथ में जाती थी। संगठन की बात आपने की तो वर्तमान में संगठन अगर देखें तो आप जिला उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, और इस पद पर रहने के बाद आपके भविष्य की योजनाएं क्या हैं? जी सर, संगठन में तो मुझे अभी इस समय वर्तमान में जब भाजपा की उपाध्यक्ष हूँ जिला की, इसके पहले भी मैं संगठन में काम कर चुकी हूँ, मैं निचली इकाई से काम की हूँ, मंडल स्तर से शुरू की हूँ मैं राजनीति, मंडल कार्य समिति, फिर उसके बाद जिला कार्य समिति। मैं दो बार महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष बनी हूँ रीवा जिले की, और प्रदेश कार्य समिति महिला मोर्चा,
पिछड़ा वर्ग प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी बनी हूँ, और वर्तमान में मेरा जरूर बीच में थोड़ा अंतराल हो गया संगठन में, लेकिन इस बार जिला उपाध्यक्ष का दायित्व तो मिला है, और जिला पंचायत के अध्यक्ष के दायित्व तो मिलने के बाद जो भी संगठन का निर्देश होता है काम करने के लिए, कहाँ शासन की योजनाएं हैं, कौन सी प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व से कार्यक्रम आते हैं, उन कार्यक्रमों को जब जिला स्तर से निर्देश होता है कि आपको यहाँ इस मंडल में इस विधानसभा में जाकर के ये कार्यक्रम को संपादित करना है, तो बराबर उसका पालन करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और ये भी अपेक्षा है, राजनीति में महत्वाकांक्षी होती है सबको, बिना महत्वाकांक्षा के इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता है, तो महत्वाकांक्षा को लेकर के भी मैं विधानसभा की दावेदार भी रही हूँ, गुड़ विधानसभा की, और पिछली बार थोड़ा कुछ ऐसी वजह से टिकट नहीं हो पाई थी, माननीय नागेंद्र सिंह जी को टिकट मिला, वो चुनाव जीते भी, लेकिन फिर से मैं अपेक्षा करती हूँ और मैं दावेदारी भी कर रही हूँ कि मुझे विधानसभा का टिकट मिले। अब ये पार्टी स्तर का काम है, राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का अगर वो जिम्मेदारी देते हैं। आपका जो कहना चाहिए कि मायका पक्ष था कांग्रेस का था, आपने कांग्रेस का कार्यकाल देखा और अपने घर में कांग्रेस को जिया है, और शादी के बाद आपने भाजपा को जिया, इन दोनों में आपने क्या अंतर देखा? कांग्रेस में देखें, पर उस समय मैं इतनी परपक्व नहीं थी कि मैं समझ सकूं कि कांग्रेस क्या कर रही है। उस समय भाजपा तो कहीं थी नहीं, जब कांग्रेस का दबदबा था प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व, तो भाजपा तो थी नहीं। जनता पार्टी में कुछ समय देखे, पर इतना इंटरेस्ट नहीं था ना, बता रहे हैं आपको। तो बाद में जब देखे, जब मैं पार्टी में यहाँ आई और बाद में देखे, तो निश्चित रूप से ये लगा कि जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो अगर कांग्रेस की सरकार करती तो आज अपना प्रदेश बहुत आगे बढ़ जाता। इतनी हितग्राही मूलक योजनाएँ, विकास के कार्य हैं, अब रीवा में ही देख लीजिए इतने सारे विकास हुए, जो 5-6 साल पहले लोग आते हैं रीवा और अब आते हैं तो उनको बहुत अंतर दिखता है, आश्चर्य मानते हैं। जैसे हमारे रिश्तेदारी बहुत बाहर रहते हैं, जब वो आते हैं रीवा में तो कहते हैं रीवा बहुत बदल गया है। तो ये विकास, आप सड़कों का देख, पहले हम लोग भोपाल जाते थे, बाई रोड भी जाते थे तो कितने समय लगता था, तो आज अपन 8 से 9 घंटे में भोपाल आराम से पहुँच जाते हैं। तो सड़कों का ही मामला है, चाहे हाईवे हो चाहे ग्रामीण स्तर की हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांव-गांव की, एक गांव से दूसरे गांव की सड़कें जुड़ी, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से, पंच परमेश्वर से, कितनी सारी योजनाएं आई कि मैंने, ऐसा हुआ ही नहीं कि एक गांव, पहले तो हुआ करता था कि हमें एक गांव जाना है तो गाड़ी खड़ा करके पैदल जाना पड़ता था, सोचना पड़ता था, कहीं निमंत्रण में कहीं कार्यक्रम में तो कार्यकर्ता के घर ही जाना तो पैदल जाना पड़ता, लेकिन अब उसके दरवाजे पे गाड़ी जाती है, और कार्यकर्ता ये चाहता है कि नेता आया है तो मेरे घर के पास उसकी गाड़ी खड़ी हो, उसको खुशी होती है, गांव में उसका थोड़ा मान सम्मान बढ़ता है, रुतबा बढ़ता है। ऐसा था, ये अंतर हुआ कि भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब आप अपनी जिंदगी का सफर कैसा देख? बहुत अच्छा, मेरा भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, मेरे नाती हैं, बिटिए के 2 बच्चे हैं, और बहुएं भी आ गई हैं मेरी परिवार में भी, और हमारे जो परिवार के सदस्य उनके भी बहुएं आई हैं, बच्चे हुए हैं, तो सफ़र अच्छा है परिवार के बीच में, और राजनीति करते करते अच्छा सफ़र कटेगा। हमारे जो दर्शक हैं इनके लिए आपका क्या संदेश है? सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, महिलाओं को राजनीति में, महिलाएं राजनीति में काफ़ी तेज़ी से आगे आ रही हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण है, उस आरक्षण के माध्यम से हमारी बहनें राजनीति में आ रही हैं, लेकिन आरक्षण रूटीन के बाद होता है, 5 साल बाद आरक्षण बदल जाता है, उसमें फिर दोबारा मौका नहीं मिलता है, तो इस वजह से जब चुनाव होते हैं महिलाएं चुन के आती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं कि स्वयं काम करती हैं, पहले तो अनुभव नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जो भी काम करेंगे उसके प्रति अनुभव लोगों को होता है, बहनों को भी होता है। बहने हमारी बहनें बहुत होशियार हैं, जब इतने बड़े घर की जिम्मेदारी वो कुशलता के साथ संभाल सकती हैं तो सामाजिक क्षेत्र में आराम से, लेकिन कहते हैं ना कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अभी उतनी छूट नहीं है कि वो स्वतः काम कर सके, कहीं आने जाने में, मीटिंग में है, बैठकों में है, जो ग्रामीण स्तर की हमारी सरपंच बहनें हैं, जनपद हैं, वो अकेले नहीं आ जा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट उनको परिवार का मिलता है और मिलना भी चाहिए। कुछ जगहों में है कि उनके पति
स्वतः काम करते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें सरपंच पति जी जो हैं वो ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, वो काम देखते हैं, इसलिए काम वो देखते हैं, लेकिन अंत में जब कुछ गलत होता है तो सजा समस्या जो है जी समस्याएं महिलाओं के ऊपर आती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से सहयोग करें, पीछे से उनका सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। तो इसमें तो है, हमारी ग्रामीण स्तर की महिलाएं आ रही हैं, लेकिन जो बड़े चुनाव हैं राजतंत्र के, लोकसभा विधानसभा के, उसमें अभी महिलाओं को आरक्षण नहीं है, तो उसमें भी होना चाहिए। तब हमारी जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, काफ़ी समय से राजनीति में काम कर रही हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो जी जब इतने बड़े कार्यों में, इतना बड़ा कार्य महिलाएं कर रही, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे आप हवाई जहाज में जो पायलट हो रही हो, महिलाएं हो रही हैं, जी देश के प्रतिनिधित्व तो बहुत पहले कर चुकी हैं मान इंदिरा गांधी जी, तो जब इतने बड़े कामों में महिलाएं आगे बढ़ रही, कर रही हैं, निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा तो महिलाएं आगे काम करेंगी, बढ़ेंगी। डॉक्टर शैलेंद्र सो, सच तो सच में हमारे बीच आज रीवा जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष श्रीमती माया सिंह जी ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच तो सच में बस आज इतना ही, कुछ और हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।